बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ करना मेरे तमाम बहन भाई जी तेरे में खुश हैं बादल इंत में शस्त दे मुस्कुरा दे मतलब हम लाभ में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सारे पर सारे बहन भाइयों सुबह बखैर, सारे बहन भाइयों जुमा मुबारक। और जी रात में जो टेंशन वगैरह जो ना काफ़ी सारी जो बन गई, और आज नाश्ते में जो ना काफ़ी सारी जो लेट होगी क्योंकि बेगम साहब और तबीयत जी ना काफ़ी सारी जो ना खराब हो गई इस वजह तो। लेकिन हूँ जो नाश्ता साढ़ा फाइनली जो अज हूँ बन रहे, अनुमान भी जो है स्कूल कोई नहीं गया। चलो बना लो तो तबीयत ठीक ही ना, क्योंकि इन्हों चाहिए गुर्दे की दर्द जी ना वह काफ़ी ज़्यादा जी होगी। फिर जो है नुमान जो है ना लीमा साहब जितने जा फातमा को बिठा के जो है ना फिर इन्होंने मैं जो है ना लै गया शहर। ये भी शुक्र है रात का ज़्यादा टाइम कोई नहीं, 9 बजे तो कर जो तबीयत वगैरह जो नहीं खराब हुई तो। लेकिन कोई नहीं अल्लाह का शुक्र हूँ पहले जो है ना बेहतर ने। और नुमान स्कूल गया कोई नहीं क्योंकि नाश्ता टिफिन वगैरह जो है उनका तैयार होया कोई नहीं, फिर भेजे ही कोई भुखे गलों का दिल ही नहीं किया। हाँ और ये जो ना कल आए चावलों का कोई मसला बनया तुम चावल आप वैसे भी ज्यादा खाने हूँ चावल महीने च एक दफा ही बना करो। हाँ जी बिस्कुट लाया हुआ नुमान बिस्कुट लाया हो दुकान बंद पी और लिया उधर रोड पार फिर मैं आप लाया हमने और लिया चल तू थी खड़ो मैं लाया हमने और मैं बच्चों वास्ते जो है सारे पहले बिस्कुट जो ले आवा क्योंकि रस पैन ही ने रस पैन है नुमान रह लो पूरे लिया बेटा रस पैन रस खा लो चल मैं बिस्कुट लैमना थोड़े लैमना बिस्कुट लैमना मैं बिस्कुट थोड़े का लैमना। और निजात फातमा ते हलीमा सादिया कह रही कि बिस्कुट खाने रस नहीं खाने मैं कर नुमान हाँ जी बिस्कुट जो लैके आ गया निजात फातमा अकाडमी और हलीमा सादिया ताई बाकी नुमान बेगम साहब मैं जो रस वो खा लवेंगे एल एल आ एक तेरा एक पैकेट तेरा ही एक निजात फातमा एल एल एक तेरा ही जी। चल अलहमदुल्ला नाश्ता जो कर लिया बाकी बच्चे जो खेल रहे हैं और अबू जी और भी जो आ गए ने आ निजात फातमा और निजात फातमा जो बॉलिंग करा रही क्या बात है और नुमान जो है ना खेल रहा और हलीमा सादिया मैच जो देख रही है क्यों हलीमा सादिया इतने बह के मैच जो देख रही है और इतने दस रही है कौन चौका मार रहा है तो कौन छक्का मार रहा है। हाँ जी सर नाश्ता तुसी पिया देने मैं करके आया अच्छा मुबारक देनी मौज में लैन दी अल्लाह बड़ा चंगा हो गया काम हूँ इंशाल्लाह सीजन की टेंशन कोई नहीं बस मिट्टी की टेंशन रहेगी। आ देख कद माशाल्लाह जी ना मुंज काफी लैन दी हाँ एक रेटा मंगावांगा पहले जिस टाइम एक मुक गया फिर दूसरा मंगा लवांगा रखन की जगह कोई नहीं सज्जा रेड़ा जो लैन का सज्जा रेड़ा जो ला के उस तो बाद जो फिर बनाया ठीक है ना। हाँ जी मैं सारे पहले जो रस्ता वगैरह जो क्लीयर कर रहा इतू जी मिट्टी जी उजन वाली पी इधली तो जी सारी साफ सफाई जी मुकम्मल होगी बस एस जो थोड़ा जि रहा यह साफ सफा कर लवा उस तो बाद जो गार्डन पानी वगैरह जो देना और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी जो चलिया हूँ शायद सवेरे जो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम जो दुकान लगनी है क्योंकि आज तो फिर चाचू और मिलाद आ 11 बजे दुकान लावा फिर उधर नहीं जमींदा तो उधर ही जाना लाजमी आ इस वजह तू हूँ चलना सा चल के जो समान वगैरह जो लैमना दुकान का समान आ जाएगा फिर टेंशन वगैरह कोई सवेरे फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो इन्हें दुकान लावे क्योंकि तुम भी अक्सर 2 दिन हो गया लगातार कह रहे फर्स्ट टाइम दुकान लानी लेकिन दुकान लग नहीं रही लेकिन कम वगैरह इतना ज़्यादा आना कल ही सारा दिन फिर जो मौज इकट्ठी करने लग गया साफ सफाई तो लग गया फिर हट के उधर महफिल मिलाद चले गए अज ही महफिल मिलाद है चाचू और अज चले जाना उधर इस करके अज थोड़ा बहुत फटाफट जो काम कर लेना फिर जो लैंना दुकान का समान सारा बेसन खत्म होया बेसन लैना मैदा लैना आलू तो जो मेरे को पहले ही पे ने यह मैं सोच रहा पकौड़िया इस्तेमाल आलू करा हूँ चिप्स वास्ते जो लाल आलू सही है ना चिप्स वास्ते लाल आलू लैमने
हाँ इन्हों की चिप्स जी ठीक नहीं बनती जिस मकसद वास्ते मैं लाया आना मतलब कि भी इन्होंने चिप्स हार्ड बनेगी लेकिन इन्हों की लाल आलू उन्होंने ज्यादा नरम चिप्स बनती है। हाँ क्या बात है और मैं भी जाए इंशाल्लाह और बच्चे ने जे चावल जे डोलते क्योंकि चावल जे कल आए थे मिलाज शरीफ तू तो वही गर्म करके हूँ खाधे रोटियां जी ने कोई नहीं बनाइया नाल जो चाय रस खाधी और बच्चे ने जो हलीमा साहब या फातमा ने बिस्कुट जो है वो लिया के देता सी। ते मैं और सारे पहले आज भी काम वगैरह काफ़ी सारा आज पहले आया साफ सफाई करने और शहर जाने दुकान का समान लैमने फिर आठ के मिलाज शरीफ तो आया था मुंज बनावे। हाँ जी जी की शायद की चीज एक ही आंदी। हाँ जी पापा गल की शा मैंने तुम्हारी गल नहीं समझ आती। अच्छा अच्छा कह रही कि मैं फुटबॉल या गेंद बल्ला जे आना खेल रही हां मान वास्ते कुछ चीज लावे मान जेद कीती रख फुटबॉल लेना फुटबॉल अगर तुहाडे सामने या हिसाब किताब घर दे खर्चे पूरा कर दे जरूरतां पूरा कर दे कि नंदे खिलौने ले आंदे आ मैं चलो ठीक हो गया। हाँ जी ठीक हो गया और काफी सारे बहन भाई साढ़े दो तीन दिन विलाग पसंद नहीं आए बोरिंग विलाग आए काम के मुतलिक फिर मेरा जो काफी सारा जरूरी अहम रखता है काम इस वजह से इस चीज से विलाग बनते रहने लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह कोशिश करांगे अच्छे विलाग बनाने की क्योंकि काम जो काफी सारा सी मेरा अहम काम से मैं नाल शेयर कर दी सारे बहन भाइयों ना इंशाल्लाह दुआ करो अल्लाह करे इंशाल्लाह मेरे तंदूर बड़े होटल वाले सर्दियों के टाइम बड़े विकते रहेंगे। हाँ हाँ तो फिर अगे इंशाल्लाह जो 2 महीने बाद छोटे बना के रखी रखा 2 महीने बाद छोटिया का सीजन आ जाएगा फिर इंशाल्लाह जो टेंशन कोई साल के खाने के दाने भी बन जाएंगे और डेली जो बिकते रहते 2-3 बार तंदूरियां अपना तो खर्चा जो घर का बना रहता। नुमान नुमान आ गए दे पुत्र इन हाँ आओ आ गई निजाफत में नपला आओ गई चकला 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 शाबाश और इन निजा फातमन पौनी भी ला दे वाल बाहर निकले मैं तंग कर दे पैसो देखी तंदूर डिग से तंदूर डिग से फीड़ा डिगया पे ओ पुराना है खेलो आया तेन गेंदा करावेगी तू खेली चल जा नहीं चल जा करावेगी चल जा गेंदा करा नुमान नु मठे छके मारे करना चक भी लेकर आ दवाई ले लो ते आराम कर लो। चलो शहर जाना आप मिलाज शरीफ से तो दवाई दोबारा देनी फिर ला लवेंगे ठीक है होना तुम चावल नहीं खाने हाँ चावल बिलकुल नहीं खाने हाँ चावल नहीं खाने बिलकुल ही हाँ और ये भी आ नुमान की रात जहाँ समझ लो कि बड़ी दलेरी आई कि दोवे बहन को रात टाइम जहाँ कला बैठा रहा नुमान डर लगे सी कोई नहीं लगे सी दरवाजा बंद किया खुला हूँ बड़ा हो गया क्या डर है और नुमान दोवे बहन फिर हलीमा साहब से निजा फातमा सुतियां हुई असा कि उन्होंने कि जगह भी है नाले बेगम साहब इन्नी ज्यादा तकलीफ आई इन्हें कुछ काबू ही नहीं होनी फिर नुमान बिठा के इन्हों को चले गए सानू टेंशन पिछे जो बच्चों की रात बहुत ही ज्यादा आई लेकिन फिर जाना भी मजबूरी आ इस वजह दिन तो आंदा फिर तक कोई नहीं आई जागते होना लेकिन रात 9 बजे फिर नुमान कला बहना को बैठा रहा बड़ी टेंशन सानू बनी रही उसे दवाई लेंदे ना मैं क्या नुमान रो ही ना पवे जी चल जाओ कह रही खिलदा नहीं पिया हलीमा साहब तुहाडा मैच वेख रही है और अबू जी और भी जाना चले गए मैं भी सारे पहले काम कर लवा और मैं भी जाना ना बेटी जी अद सीट लवा और उन्नी देर तक रात भी जाना आते आए थे फिर मैं जाना
ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ आखिरी काम जो मैं चलिया जा इंशाल्लाह शहर और समान जो सारे लाया भाई ने खुद साठो केले ਬਰਫ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਢਾਹਣਾ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਛੱਤ ਪਾਟ ਕੇ ਉੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਢਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਛੋਟਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਸੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਣੇ ਜਾ ਫਾਤਮਾ ਆ ਜਾ ਚਲੀਏ ਔਰ ਆਈ ਜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਜ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਗੁੜੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹਾ ਡਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।